अब्बा जी का ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह खैर करे, दुआ करनी सब ने। अल्लाह ताला सेहत सलामत दे। यूनान का मसला आ रहा था, इस वजह से अब्बा जी का अपडेट करें। शफकत अब्बा जी आए, उनकी तीमारदारी के लिए साथ हैं, और अभी डॉक्टर ने कहा कि 10-15 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। अल्लाह ताला खैर करे, और अल्लाह ताला अब्बा जी को सेहत सलामती अता फरमाए। ठीक हो ना? हां ठीक हो, फिट हो जाओगे इंशाल्लाह। हां हां, ये मैं पैगाम भेज रहा, अम्मा और पैगाम भेज रहे, मैं क्या वेख सी बैठे सारे दुआ कर रहे हैं वास्ते, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ठीक करेगा, सेहत फिट फाट हो जाओगे। ठीक है ना? रोटी शोटी मंगवा रहे हैं अजी, उन्होंने भुख कोई नहीं, भुख कोई लगी, उन्होंने भुख कोई नहीं लगी अजय, थोड़े तो रोटी वैसे रोकी हुई क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है। तो अभी आ गए डॉक्टर, अभी लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, दुआ करें अल्लाह ताला बेहतर करे, सारे वो आ जाते हैं, अभी लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, दुआ करें अल्लाह ताला सारे से सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला से जो अभी लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, जो माशाल्लाह कामयाबी से अल्लाह ताला खैर करे, सब ने अभी बताया, देखते हैं अब जी आते हैं बाहर ऑपरेशन थिएटर से, फिर उनसे भी मिलते हैं। जी अब्बा जी का ऑपरेशन हो गया था रात को, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, हम फिर रात को घर लौट आए थे, तकरीबन कोई 3 बजे वापस आए, अभी माशाल्लाह देखते हैं कि कैसी हालात हैं, क्योंकि रात को काफ़ी ना बेहतर हो गया था, घंटा डेढ़ मुश्किल हुआ था, घंटे के बाद जो है ना काफ़ी तबीयत अच्छी हो गई थी, कंट्रोल हो गई थी, बीपी वगैरह कंट्रोल हो गया, बीपी लो हो गया था, तो इस तरह की चीज़ें हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं, देखते हैं कि आज का दिन उनका कैसे गुजरता है। अभी बाबा जानी का पता करते हैं नीचे जाके, क्योंकि पहले मैं नमाज़ पढ़ी है, मैं नमाज़ पढ़ के मैंने कहा नीचे जाता हूँ। आज एक तो लाहौर का जो मौसम है वो भी बहुत धुंधला है, क्या कह सकते हैं, आज तेज़ हो रहा पंखे, इतना ज़्यादा धुंध है, कितना गलतों को बाहर है, आपको बताऊँ तो क्या आप इंडिया छोड़ जाएंगे पाकिस्तान क्या, तो अभी देखते हैं कि बाहर के क्या हालात हैं, चलते हैं, बच्चे भी सिस्टर भी गाँव गिरी हुई, तो ये हमारे से ज़्यादा नहीं गया आज ऑफिस, ऑफिस नहीं है इधर है माशाल्लाह से, और ये स्नैन इधर है, ये स्नैन इधर इसी शेप में, आपको अभी ये 1 बजे सवा 1 तो आप 7 बजे भी आएंगे तो स्नैन इधर इसी तरह मिलेगा आपको माशाल्लाह, टस से मस नहीं होता, लैपटॉप आगे पड़ा है, तो इतना मेहनती बच्चा है कि टस से मस नहीं होता। आपके वो ग्रुप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसका विलाग देख रहा हूँ, विलाग के ऊपर टिप्स दे रहा है, बहुत अच्छे टिप्स दे रहा है। तो शकलैन तो पूरा दिन कल रहा है हमारे साथ ही हॉस्पिटल में, और अभी बेगम साहब आ गई। हाँ जी बेगम साहब, बाकी कहते हो आए लोग उनको मिलते हैं, अब्बा जी का पता करें, तो अब्बा जी का मैं भी पता कर लूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सोचता हूँ, जिससे रात को 4 बजे सोए। माशाल्लाह अब्बा जी आप ठीक हो गए, खाना शाना खा रहे हैं, काफ़ी तकलीफ थी कल यूरिन की वजह से इनको, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान बिल्कुल ठीक हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं, कैसे रहा है मैं जीएम पता करने आए हुए, और बाकी बैठे हैं इंशाल्लाह, दुआ करें कि अब्बा जान की तबीयत फिट रहे, इकबाल भी बैठे हैं, हम भी सुबह सुबह क्या 2:30 हो गए, लेकिन लाहौर में धुंध ऐसी है, स्मोक की वजह से सुबह ही लग रही है, तो आज के विलाग ये मुख्तसर होगा, तो अगले विलाग मिलते हैं आज के लिए, हाफिज़।